हाँ जी गाइस, तो आज फिर से है हमारे साथ चिराग सर। और पिछला पॉडकास्ट अगर आपने देखा हो तो आपको बहुत सारे इनसाइट्स मिले होंगे इन द डोमेन ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी में बजट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। एंड टू एंड वी हैव डिस्कस्ड हाउ ऑडिट इज डन अंडर जीएसटी, कौन कौन से फॉर्म साइन होते हैं, क्या डिपार्टमेंट का प्रोसीजर रहता है, कितना टाइम इसमें लगता है, और सारी चीजें हमने बजट रिलेटेड चेंजेस की उसमें डिस्कस करी है। आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो टू चेकआउट दैट वीडियो। और साथ ही साथ अगर आपको जीएसटी में करियर बनाना है तो जरूर से जीएसटी की मास्टर क्लास चेकआउट करिएगा चिराग सर की ऑन थिंकिंग विद लॉ 10, जिसमें एंड टू एंड प्रैक्टिकली आपको पूरा कंप्लायंस लिटिगेशन एडवाइजरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी उसमें सिखाया गया है। और जिनको गाइस चिराग सर के बारे में नहीं पता है, लेट मी री इंट्रोड्यूस हिम। चिराग सर इज हैविंग मोर देन 11 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली इन द डोमेन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड जीएसटी। ही हैज वर्कड इन बिग फोर, ही इज लीडिंग वन ऑफ द टॉप एफएमसीजी कंपनीज, ही हैज वर्कड इन एयरटेल आल्सो, बहुत सारी टॉप कंपनीज और फर्म उन्होंने काम करा है, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। और आज की वीडियो में हम करियर रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं। सो वी वेलकम यू चिराग सर। बहुत सारे डाउट्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, और आपके एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं कि सर इस डोमेन में कैसे करियर बनाया जाता है। तो सबसे पहले सर मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगा और सब तक पहुंचाना चाहूंगा कि कैसे आपका ये पूरा अभी तक का 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, कैसे कैसे आपने चीजों में डील किया है। नाउ यू आर ऑलमोस्ट हेडिंग वन ऑफ द टॉप क्लाइंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, तो कैसे हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं इन सच अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अजित। मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है अपनी जर्नी को शेयर करना और बताना, बीइंग द डिफिकल्टीज एंड एवरीथिंग। और अगर किसी को कुछ सीखने से मिलता है, जो कोई हिंट मिलता है कि शायद मैं भी ऐसा कर सकता हूँ एंड किसी का करियर बेटर होता है इन चीजों से, तो मुझे खुद काफी अच्छा लगता है। सो यस, लाइक यू आस्क्ड कि मेरी जर्नी कैसी रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट से बताना चाहूंगा, जो मुझे खुद कभी कभी काफी फैसिनेटिंग लगता है और कभी कभी मुझे लगता है कि इट माइट मोटिवेट सम ऑफ द पीपल। सो मुझे लगता है कि फ्रॉम द स्टार्ट, लाइक व्हाइल आई वाज इन स्कूल, आई बिलोंग टू वन ऑफ द स्मॉल सिटी इन हरियाणा। सो जब मेरा स्कूलिंग था, तो टिल 10th ऑफ क्लास यू वॉन्ट बिलीव दैट आई वॉज स्टडिंग इन टू हरियाणा बोर्ड हिंदी मीडियम बॉयज स्कूल। सो दैट वॉज अ थिंग जहां पर मुझे लगता था दैट आई माइट बी लूजिंग द कॉन्फिडेंस, आई मे नॉट स्पीक इन इंग्लिश मे बी एनी टाइम इन माई लाइफ, और आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू मे बी स्पीक टू दी फीमेल आउट देयर इन द वर्ल्ड। तो वो जो जर्नी मैं वहां से बताना चाहता हूँ कि वेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, वेन यू स्टार्ट फ्रॉम द मे बी फ्रॉम द हिंदी मीडियम और मे बी फ्रॉम द बॉयज स्कूल, व्हाट्स एवर द केस मे बी, लाइफ बहुत बढ़िया है। मतलब यू कैन चेंज द डायनेमिक्स एनी टाइम। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, आई मूव टू इंग्लिश मीडियम। सर रेस्ट इज ऑल लाइक यू हैव टू डू सम मेहनत इन लाइफ। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में थर्ड आया था इन 12th क्लास, दैट वॉज लाइक एफर्ट्स इन योर स्टडीज ओनली, सो दैट वॉज दैट एफर्ट। फिर मुझे सीए करनी थी। सीए करने का मोटिवेशन भी कहाँ से आया, पर इसी में आप लगे करके बताइए अपनी। सो अगर ये बात करूं तो आई रिमेम्बर जब मैं शायद 5 या 7 या 8 साल का होगा, तो तब से मेरे माइंड में सीड करना शुरू कर दिया था पापा ने कि सीए करनी है। तो मुझे तब मुझसे किसी ने, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, मुझसे किसी ने पूछा कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, मैंने बोला सीए बनना है। सेकेंड क्वेश्चन था सीए की फुल फॉर्म क्या होती है, एंड आई वॉज लाइक मुझे नहीं पता, मुझे सीए बनना है। तो दैट टाइम आफ्टर 8th क्लास मैंने खुद इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया कि मुझे सीए क्यों करना है, सीए क्या होती है। एट ऑल टाइम्स 8th टू 12th मुझे कभी डिस्ट्रेक्शन नहीं मिला उस लाइन में, मुझे हमेशा इंटरेस्ट आया जब से मैंने पता करना शुरू किया सीए क्या होती है, कितनी मेहनत है, कितनी डेडिकेशन है। मैंने सीनियर से बात करी जो शायद मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया कि कितना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, इसके अंदर दोनों ऑप्शन आपके पास, आप जॉब कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना धंधा कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आया वो कर सकते हो। और हमेशा ये, जब मैंने सीए में एनरोल भी किया, जब मैंने सीपीटी के फॉर्म्स भरे, तो लोगों ने, कुछ लोगों ने जो फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया सीए साहब सीए साहब। तो एक इज्जत जो डे वन से मिलनी शुरू हुई थी, वो दैट स्टार्टेड मोटिवेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर। सो दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ सी ए स्टार्टेड।
सो इनकी काफियों की सिमिलर स्टोरी रहती है कि बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर इस प्रोफेशन में ना साइन करने के पैसे मिलते हैं, इसलिए हमको ये करना है। इसमें रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, जैसे कोई सीए सुनता है तो सर सब लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो बिल्कुल ठीक बोला आपने कि भाई बहुत सारे पेरेंट्स का ये एम्बिशन होता है कि भाई बच्चे उनके सीए करें, और साथ ही साथ जो सोसाइटी रिस्पेक्ट देती है इस प्रोफेशन को, इसकी वजह से भी बहुत लोग इस प्रोफेशन की तरफ आते हैं। कमिंग बैक टू योर जर्नी सर, प्लीज कंटिन्यू। राइट सो आफ्टर 12th क्लास, उस टाइम पे मेरे टाइम पे इतनी ज्यादा ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं थी. अब तो ऑनलाइन क्लासेस आई थिंक बहुत ज्यादा अवेलेबल है. तो आई हैड टू मूव आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड फ्रॉम माय हाउस आई मूव टू दिल्ली. सो मैं उन लोगों में से हूँ जो लक्ष्मी नगर में 2 फ्लैट में 8 लोगों के साथ रहा है, और जिस एक रूम में एसी होता था और 8 लोग गद्दे बिछा के उसी रूम में सोते थे. तो मे बी कुछ लोग उस चीज से रिलेट कर पाए, और आई होप लक्ष्मी नगर कुछ कुछ वैसा ही है अभी भी. तो दैट वॉज अ जर्नी, और आई डिड माई ऑल माई लाइक क्लासेज एंड एवरीथिंग, कुछ सेल्फ स्टडी, कुछ क्लासेज फ्रॉम दिल्ली. सो सेकेंड चैलेंज विच केम इन टू माई वे वॉज दी फाइंडिंग ऑफ आर्टिकलशिप. तो अब आर्टिकलशिप शायद सबके लिए एक डिफिकल्टी होती है, स्पेशली जिनकी रेफरेंसेज नहीं होती, लाइक दे डोंट बिलोंग टू दिल्ली. ठीक है, हो सकता है मेरा एक्सेंट टिल 12th क्लास मेरा थोड़ा हरियाणवी एक्सेंट था, तो एक्सेंट प्लेज अ मेजर रोल व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू. तो फाइंडिंग एन आर्टिकलशिप इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टास्क. आई स्टार्टेड विद वन ऑफ द मीडियोकर फर्म जो जनरली यू कैन अचीव. देयर आफ्टर आई वाज ऑलवेज लाइक कि मुझे कुछ बड़ा करना है. आई कैन नॉट एंड अप ऑन स्मॉल थिंग्स. और मे बी मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था कि मुझे थोड़ा सा कॉर्पोरेट लाइफ देखनी है, थोड़ा सा मुझे ग्रो करना है ज्यादा. आई ट्राइड फॉर टॉप 20 फर्म्स रेगुलरली, लाइक फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स और 8 मंथ्स आई वॉज रेगुलरली सेंडिंग द ईमेल्स टू द टॉप फर्म्स रेगुलरली. और उस टाइम पे ज्यादातर ऑप्शन वही होते थे, तो अभी तो लिंक्डइन एंड एवरीथिंग केम इनटू द पिक्चर. सो उस टाइम पे मैंने रेगुलर ईमेल्स भेजे, मेरे पास 2 या 3 टॉप 20 फर्म से ऑप्शंस आए, कॉल्स आए, आई गेव इंटरव्यू. फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू क्रैक वन ऑफ देम. सो आई मूव टू देसाई हरि भक्ति विच इज मतलब सर कोल्ड फर्म्स. ईमेल काम करता है, क्योंकि सो बहुत सारे लोग अभी आते हैं कि सर कोल्ड ईमेल से रिस्पॉन्सिव नहीं आ रहे हैं, रेफरेंस ढूंढना मुश्किल है। तो आई होप कि मतलब आपने जैसे अप्लाई किया एंड यू आर सेइंग कि यू गॉट इनटू द टॉप 20, चाहे रेफरेंस पहले ना हो, रेफरेंसेस बिल्ड भी आपने करे होंगे अगर रेफरेंस के थ्रू गए हैं तो, और नहीं तो कोल्ड ईमेल काम करा होगा, तो उसके अराउंड एक थोड़ा सा बताइए कि कैसे हमको आर्टिकलशिप टॉप फर्म्स की मिल सकती सो माई एक्सपीरियंस वॉज कोल्ड ईमेल वर्क. है। एचआर कोल्ड मी, दे आस्क्ड कि अभी अर्जेंट हायरिंग है, वुड यू बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू टुमारो. आई वॉज लाइक हाँ हाँ बिल्कुल, मैं क्यों मना करूंगा. सो दिस वॉज थिंग फॉर मी. कोल्ड ईमेल्स वर्क. वन मोर थिंग आई ट्राइड विच ऑल्सो वर्क फॉर मी. मैं सीपी में आई वॉज इन अंडर एन इम्प्रेशन कि कनॉट प्लेस में जितनी फर्म्स है वो बड़ी ही होगी, क्योंकि वो अच्छा महंगा एरिया है दिल्ली का, तो बड़ी ही होगी. क्रांट प्लेस में राउंड लगाया इनर सर्कल में, जितने भी सीए फर्म से बोर्ड लग रहे हैं. आई वेंट टू देयर डेस्क, सर मेरा ये सीवी है और प्लीज कंसीडर मी फॉर योर आर्टिकलशिप. वहां पर एक दिन के राउंड में मैंने अप्रोक्सीमेटली 20 फर्म्स विजिट की. उनमें से एक पार्टनर ने मुझे बैठाया, चलो आ जाओ इंटरव्यू दे दो. मैंने उन्होंने पूछा कहाँ से हो, क्या 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 किया है, क्या इंटरेस्ट है, ये वो, कब ज्वाइन कर सकते हो. आई सेड आई एम फ्री. ही सेड कि ठीक है आप मंडे से आ जाओ, दिस विल बी द स्टाइपेंड एंड दीज आर द लिस्टेड क्लाइंट्स वी हैव फॉर यू टू डू द ऑडिट्स एंड एवरीथिंग. एंड बाहर निकल के आई वाज लाइक अच्छा ये चीजें भी काम करती है. तो एवरीथिंग वर्क्स फॉर मी. तो अगर आप ट्राई करोगे, आजकल के जमाने में पहले ये दो चीजें होती थी, अभी लिंक्डइन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म विच आई कैन से करियर प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा है, और ईमेल्स निकालना भी इतना मुश्किल नहीं है अब एचआर प्रोफेशनल्स का. अभी रेफरेंसेस भी बढ़ गई है आई थिंक, मेरे टाइम्स में जितनी थी या अपने टाइम में जितनी थी. तो देर देर इज अ जर्नी, बट जो लोग अफर्ट करते रहते हैं दे कैन गेट इन टू इट. तो दैट इज माई से, लेकिन ये चीजें काम करती है, हर चीज काम करती है. So you got into the top 20. उसके आगे की क्या कहानी रही थी फिर? सो टॉप 20 एचआर आस्क्ड मी कि आपको ऑडिट करना है, हमारे पास टैक्स में भी वैकेंसी है, देयर वाज अ वैकेंसी इन स्टेट ऑडिट. मेरा थोड़ा सा टैक्स में इंटरेस्ट था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. अनफॉर्चुनेटली उसने मुझसे सवाल किया और आई सेड ओके आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन. तब सर्विस टैक्स था, इट इज अ स्टोरी ऑफ 2014.
10 years back or maybe 11 years back. So service techs or VAT ki thi. So I gave an interview. Fortunately, I was able to clear it. So I started my indirect taxation journey from there. तो वो जब स्टार्ट हुआ उसके बाद एवरीथिंग वाज लाइक चेंजिंग रैपिडली क्योंकि वहां जाके मुझे लोगों ने टोकना शुरू किया वर्क ऑन योर एक्सेंट कुछ हरियाणवी टोन आ रही है वी वर गोइंग टू द मीट द सीएफओज ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया लाइक आई मेट द सीएफओ जेके सीमेंट व्हेन आई वाज लाइक नॉट इवन 20 आई वाज नॉट इवन 20 राइट आई वाज 18 दैट टाइम सो CFO से मिल रहे हैं हम फर्स्ट टाइम मेरा एयरलाइन ट्रेवल वाज स्पॉन्सर्ड बाय दैट फर्म ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप तो इतने बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है आई विजिटेड द प्लांट ऑफ सम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तो वहां जाकर आपकी जो ग्रोथ पेस था मेरा दैट वॉज रैपिडली चेंजिंग सो वहां से इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि वट एवर यू डूइंग इज वेरी फैंटास्टिक वर्क कि आप कितना वैल्यू एडिशन दे रहे हो कंपनी को एंड एवरीथिंग सो it started changing so and thereafter mujhe laga ki mujhe ek bar ek aur mauka chahiye to change something and to be like have a broader view to maine try kiya ki main industrial training ke liye try karu wahan pe bhi maine kafi logo se baat ki kaha kaha pe vacancies hai and maine apne resume ko jagah pe bheje unfortunately again I was able to crack Bharti Airtel for the industrial training for 1 year or I was there so right. so guys ek cheez bahut inspirational hai starting from hindi medium class 10 chirag sir started his journey from a small firm or a mid sized firm jo bahut students abhi baat karte hain sir humko big four nahi mil rahi और मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई आज नहीं मिल रही कोई बात नहीं जो बेस्ट मिल रहा है वहां से शुरू तो करो एंड बहुत लोगों का कहते हैं नहीं सर बिग फोर नहीं तो कुछ नहीं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है चिराग सर ने इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि स्मॉल फर्म से ही वेंट इनटू टॉप 20 और वहां से फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ही क्रैक मोकर टॉप क्लाइंट्स ऑफ द इंडस्ट्री भारतीय एयरटेल में जाने का सपना रखते हैं ऑल द फाइनेंस प्रोफेशनल तो ये बहुत इंस्पिरेशनल है कि मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 इयर्स आफ्टर क्लास 10 इतना बड़ा माइग्रेशन कि एक स्मॉल टाउन से हिंदी मीडियम से नाउ वर्किंग इन भारतीय एयरटेल वेरी इंस्पिरेशनल राइट इवन इट वाज इंस्पिरेशनल फॉर मी एज वेल हमेशा मुझे लगता था कि नॉर्थ की शायद सबसे बड़ी कंपनी है भारतीय एयरटेल तो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग ऑलवेज तो आई जस्ट कैन से कि ऑलवेज कीप ट्राइंग राइट फिर सर उसके बाद क्या रहा तो सीए क्वालिफिकेशन कब हुई और कौन से अटेम्प्ट में जो पूछते ना तो वैसे मैं ये सवाल नहीं पूछता हूँ लेकिन फिर भी आप अपनी जर्नी बता रहे हैं तो आप उसमें बता सकते हैं कि इसके बाद की कहानी कैसी रही सो अगेन आई वुड से आई वाज अगेन फॉर्चुनेट टू दैट एक्सटेंट कि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई इसके लिए मैं एक चीज बताता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी हुई और आई माइट नॉट बी लाइक दैट मच इंटेलिजेंट में था नहीं था आई डोंट नो बट एक चीज जरूर थी जो एक ट्वीक ने काम किया आई गेव बोथ ग्रुप्स इन फाइनल और आई कैन से मैं तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना कि मैंने बोथ ग्रुप्स दिए तो मैं एवरेजिंग में पास हूँ सेट ऑफ में पास हूँ तो देर वॉज लेस देन 200 मार्क्स इन वन ऑफ द ग्रुप्स सो अगेन लक कम्स इन हैंडी योर मेहनत कम्स इन हैंडी एंड एफर्ट्स So I wanted to give both groups. I gave. Maybe मैं शायद उतना तैयार नहीं था जो मैं सिर्फ 50% या 51% के आसपास था. But luck, works, मेहनत सब चीजें comes in handy. So that's how I cleared my journey in first attempt. उसके बाद देखो, I was very clear कि I am very much enjoying into the taxation thing. And एक चीज मेरी लाइफ में मिसिंग थी. Simple, big four. So Big Four was always missing. I tried for articleship, nahi baat bani, but I had the name of BDO and the Bharti Airtel. So I was very much confident ki main Big Four mein enter kar sakta. And if you talk about the interview calls, CA qualification ke baad, kam se kam mere paas 10 interview calls the. 10-15 badi firm se. Aur uske liye bhi aapne bahut sare efforts dale honge. Kal main ek webinar kar raha tha sir. और उसमें जितने लोग थे मैंने पूछा कितनी इंटरव्यू कॉल्स आई किसी की भी 5 से ज्यादा नहीं थी तो ये जो एफर्ट की कहानी सर ने बताई कि भाई आप सीपी में भी जाके आपने आर्टिकलशिप ढूंढी ऐसी पोस्ट क्वालिफिकेशन भी आपने रेज्यूमे बहुत जगह पे भेजे होंगे तब वो कॉल्स आती है और तब उनको कन्वर्ट करा जाता है तो एफर्ट करने ही पड़ेंगे
दैट इज द की, मतलब एफर्ट्स के बिना कोई भी कंपनी या फॉर्म अपने आप चल के नहीं आएंगी, एक दो आ जाएंगी लेकिन उससे ज्यादा नहीं आएंगी। राइट, ये बड़ा क्लियर है कि आपको बहुत एफर्ट करने हैं जिस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, बेटर रेफरेंस, ईमेल, लिंक्डइन जाके करना है, जैसे भी करना है, जो भी आपके दिमाग में आता है, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, जस्ट गो एंड अप्लाई। सो यस, सो आई आई गॉट सम कॉल्स, मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए, कुछ क्रैक कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मैंने बिग फोर में इंटरव्यू दिया, तो आई वॉज एबल टू क्रैक फॉर द डेलॉइट इंटरव्यू, और आई एंटर्ड इनटू डेलॉइट। उसकी भी एक छोटा सा फनी इंसिडेंट आई वुड लाइक टू लाइक हाईलाइट। सो जब इंटरव्यू हो रहा था, एचआर के, आई न्यू कि डेलॉइट क्या पे ऑफर करता है। इट वॉज वेरी क्लियर, सबको पता है कि एक ही पे मिलता है, एक ही बैंड मिलता है, देन एज ए सी ए फ्रेशर आप ज्वाइन कर दो, बताता है इट वॉज 7.5 टाइम प्लस बोनस। सो एच आर केम इन टू दी रूम, शी सेड कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्लियर्ड एवरी राउंड, सो हाउ मच इज योर एक्सपेक्टेशन। मैं स्टाइपेंड ले रहा हूँ, क्या एक्सपेक्टेशन रखूंगा? तो मैंने बोला आई वुड बी एक्सपेक्टिंग समवेयर नियर अबाउट 8, एंड शी सेड वी वुड बी एबल टू गिव यू 7.5, वुड दैट बी ओके? अब आप बताइए मुझे क्या बोलना था। तो दैट वाज वेरी क्लियर सिनेरियो, और मुझे बहुत बहुत फनी लगा कि उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, एंड आई मैंने कुछ बढ़ा के बोला, और अल्टीमेटली वी एग्री टू दैट 7.5 ओनली। सो दैट वाज लाइक फनी काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, कि दोनों को पता है दैट वेयर वी आर गोइंग टू एंड अप, एंड वी एंडेड अप एट दैट थिंग ओनली। सो यस, आई जॉइन डेलॉइट, एंड देन इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ 6 years ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, राइट। तो बिग फोर तक जाना था, बिग फोर तक भी पहुंच गए, और बिग फोर में 6 साल काम करने के बाद, आफ्टर वर्किंग इन डिलॉयट फॉर 6 ईयर, नाउ यू आर हेडिंग वन ऑफ द टॉप एफएमसीजी कंपनी इन द इनडायरेक्ट टैक्स डोमेन। तो बिग फोर से एक लीडिंग एफएमसीजी कंपनी में, जिसको हम इंडस्ट्री माइग्रेशन बोलते हैं, बहुत लोग ये भी सपना लेके जाते हैं इन द कंसल्टिंग फॉर्म्स की लेटर ऑन हम इंडस्ट्री की तरफ चले जाएंगे। बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो हाउ वर यू एबल टू क्रैक दैट इंडस्ट्री रोल? उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए कि भाई कैसे हम, पहली बात तो डिलॉयट में कैसे जा पाए, और फिर डिलॉयट के बाद हम इंडस्ट्री की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं वहां पे कैसे जाया जा सकता है। ओके, सो सेकंड पार्ट को लेते हैं पहले, कि फर्स्टली कि हम बिग फोर्स में कैसे एंटर करें, या एज अ सीए फ्रेशर हम कहीं भी कैसे एंटर करें, बीट द बिग फोर्स और द इंडस्ट्री एज अ सीए फ्रेशर, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट पे। तो देखो, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने आर्टिकलशिप में आईडीटी कितना किया है। वी वॉन्ट टू गो इन टू आईडीटी, जस्ट बी क्लियर कि ये मेरी प्रेफरेंस है, एंड बी क्लियर विद योर रिस्पॉन्सेज एज वेल कि मेरी ये प्रेफरेंस क्यों है। ठीक है, इफ यू आर एबल टू कन्विंस कि सच में मेरा मन है इनडायरेक्ट टैक्स करने का, तो है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको, आपने आर्टिकलशिप में तो ज्यादा नहीं किया है काम, कोई बात नहीं, आपका मन है ना बस, दैट्स ओके, इतना भी सफिशियंट एनपीटीआर होता है। होना चाहिए हाँ तो। हाँ तो आप बताओ कि मेरा मन है, और मेरा मन क्यों है, क्यों मुझे टैक्स में जाना है, बस दैट्स इट। तो इंटरव्यू में जनरली सीए फ्रेशर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाती। इवन आई टेक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ सीए फ्रेशर्स के एंड द सेमी क्वालिफाइड्स एज वेल। तो इन दैट केस, अब उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, आई वुड लाइक टू टेल कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि बंदा कम से कम ये करके मेरे सामने आए। फर्स्टली, टैक्स इज ऑलवेज अ रीडिंग हैबिट के ऊपर है, टैक्स कि आपको पढ़ते रहना है, तो हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन जनरली मैं पूछता हूँ कि बजट के बारे में पता है जो रिसेंटली आया था, व्हाट वाज देयर इन द बजट। सो फर्स्ट थिंग कि आप हमेशा अपडेटेड रहो। उसके बाद आई माइट आस्क कि आपके रिसेंटली जो अपडेट्स आए है, तो लेट्स टॉक अबाउट एनी ऑफ द अपडेट्स यू लाइक। तो ये भी जरूरी नहीं कि मैं स्पेसिफिक अपडेट के लिए जाऊंगा, जस्ट ही शुड बी नोइंग कि पिछले 1-2 महीने में क्या अपडेट्स आए हैं, एंड देन वी कैन गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। तो फर्स्ट थिंग, रीड, लर्न एंड स्टे अपडेटेड, ये चीज मैं सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। सेकेंड चीज, एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस बोलते ही स्टूडेंट्स माइट थिंक कि हम तो फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस कहाँ से आएंगे। तो जीएसटी स्पेसिफिकली इज अ फील्ड जहाँ पे एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है कि आपको उनका जॉब आए, आप आउट ऑफ द जॉब एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये आपके फैमिली में इतने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स में इतने लोग हैं, जो जस्ट गो गो एंड से कि मैं आपकी जीएसटी रिटर्न फाइल कर दूं, मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले दूं, आपको, आप कोई थिंकिंग ब्रिज का कोर्स भी ले सकते हो, कोई प्रैक्टिकल कोर्स ले सकते हो, यू माइट गो टू यूट्यूब टू लर्न एक छोटा सा टॉपिक, अगर आपको कोई कुछ सीखना है,
आभा से सीख सकते हो, पूरी चीजें सीखनी है, कोई कोर्सेज ले सकते हो, जस्ट गेट ट्राई टू गेट सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, खुद अपने हाथ से कुछ करो। अगर एक फ्रेशर जो कहता है कि मैंने कभी जीएसटी नहीं किया और वो जाके ये कहता है कि सर आई नो हाउ टू फाइल जीएसटी रिटर्न्स, आई नो हाउ टू टेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, काफी इंप्रेसिव लगता है। क्यों लगता है? ये नहीं कि भाई तुमने रिटर्न सीख के आ गए हो, वो छोटी सी चीज है, वो कोई भी 2 दिन में सिखा देगा। द थिंग इज, क्यों इंप्रेसिव लगता है? इट शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन टू दैट फील्ड, यू रियली वॉन्ट टू कम इन टू दैट फील्ड, यू हैव कम प्रिपेयर्ड। तो वो चीज है कि आप अपडेटेड रहो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो, कहीं नहीं कुछ नहीं तो 1 महीने के लिए किसी की सीए फॉर्म में फ्री में काम कर लो यार। काम जिसको सीखना है उसके लिए सीखने की कोई कमी नहीं है, ये नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस गेन करना इज ऑलवेज अवेलेबल। राइट राइट, सो ग्रेट सर, काफी अंडरस्टैंडिंग मिली कि भाई क्या क्या चीजें काम करती हैं फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू। कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप बताना चाहें सर, व्हाट यू एक्चुअली आस्क इन द इंटरव्यू, या फिर क्या चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए व्हाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू फॉर इनडायरेक्ट टैक्स डोमेन। वैसे तो आपने अपनी इंटरव्यू गाइड बुक में सब कुछ कवर करा ही होगा, टॉप 3-4 क्वेश्चन जो आप पूछते हो या फिर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं आउट ऑफ द कैंडिडेट्स। सो ओके, सो उसी इंटरव्यू गाइडबुक से, क्योंकि दैट इज लाइक कॉम्प्रिहेंसिव टू माई नॉलेज। तो जनरली वन थिंग विच आई ऑलरेडी सेट कि आपको अपडेटेड रहना है। यू वुड बी आस्क्ड कि अभी रिसेंट अपडेट क्या आया है और बजट में क्या हुआ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके व्यूज पूछे जाते हैं, क्योंकि अगेन टैक्सेशन इज अ फील्ड जहां पे आपको पढ़ना है और पढ़ के अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करके आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, पोजिशन लेना है, कॉल लेनी है, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो बताना है आपको, वो अंडरस्टैंडिंग चाहे गलत क्यों ना हो। दिस इज वेरी क्लियर कि आप अंडरस्टैंडिंग गलत दे सकते हो, लेकिन आपको ये बताना है कि मेरे पास ये लॉजिक है इसको इस तरीके से रीड करने का। इसलिए मैं कहता हूँ टेक्स्ट में एक कोमा, एक सेमी कोलन, एक फुल स्टॉप के अंदर दिन और रात का अंतर होता है। तो टेक्स्ट को पढ़ना और उसकी अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लेन करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने कोई अपडेट बताया तो आपसे पूछा जाएगा बट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, क्या चेंज आया है, ठीक है। लाइक हमारा कोई प्रीवियस पॉडकास्ट जो हमने किया था, वी डिस्कस्ड कि एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है तो आपके व्यूज क्या है, तो व्यूज बनाना उस चीज को समझ के इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली ये पूछा जाता है अपडेट्स क्या है, सेकेंडली ये कि किसी भी सेक्शन को लेके, किसी भी चीज को लेके पूछ लिया जाता है कि आप अपने व्यूज बताओ, ठीक है। दिस इज अ चैलेंज इन इंडस्ट्री, एवरीवन नोस, इसको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। आप कहोगे जीएसटी में क्या है, आप यू माइट से बहुत सारे कंप्लायंसेस है, बहुत सारे रिटर्न फाइल करने, सामने वाला आपसे पूछे ओके व्हाट इज द सॉल्यूशन, यू हैव टू टेल कि आप किस तरीके से उस चीज को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। सेकेंडली आप जीएसटी में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आई वुड से कि आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी के भी बारे में बताना चाहिए, बिकॉज नाउ टूल्स कम्स इन हैंडी कंप्लायंसेस के लिए, रिकंसिलेशन के लिए, तो टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको होना चाहिए। अगर आप कहते हो जाके कि मुझे पता है कि टू रिकंसिलेशन टूल्स है, इस टाइप से काम करते हैं, होटल पे भी टूल है, वो वाले टूल काम करते हैं, या फिर यू माइट से कि आई एम वेरी मच अवेयर कि ई इनवॉइस कैसे बनता है, ई बिल कैसे बनता है, आप टेक फ्रेंडली है, तो अगर वो टेक फ्रेंडली अगर आप दिखा पाते हैं अपने आप को, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर एक लास्ट सवाल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सारे लोग उसका वेट कर रहे हैं सर। अल्टीमेटली इतनी मेहनत करी जा रही है, सीए बना जा रहा है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ कमाना है, तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज एंड सेक्टर आई वुड से, क्योंकि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आई थिंक यहाँ पे मिलती है, चाहे वो बिग फोर कंसल्टिंग फर्म हो, आई थिंक लॉ फर्म भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इन डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स में कैसे हमारा करियर शेप अप हो सकता है, और उसमें क्या हमको सैलरीज शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ऑफर हो सकती है, उस पर थोड़ा सा भी बताइए। सो ये काफी स्पेसिफिकली आपने पूछा है, बट आई माइट नॉट आंसर स्पेसिफिकली, तो मैं काफी ब्रॉड रेंज आपको बता सकता हूँ। लाइक आई स्टार्टेड इन 2016 फॉर 7.5, बट दीज डेज दिस इज नॉट द रेट, ये बेयर मिनिमम आपको मीडियोकर जगह पे भी मिल जाएगा। तो आई वुड से स्टार्टिंग इज वेरी मच कंपेरेबल टू एनी अदर स्ट्रीम, एंड जो स्टार्टिंग रहता है अगर इफ इट इज अ मिड साइज और स्मॉलर, तो यू विल गेट समथिंग बिटवीन 6, 7, 8 और 9, 6 to 9 यू विल गेट LPA। एंड इफ इट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और इट इज वन ऑफ द बिग फोर्स, देन यू माइट गेट समवेयर बिटवीन 9, 10, 11 एंड 12। सो दिस इज द स्टार्टिंग रेंज, इट्स गुड टू एंटर बिटवीन 9 to 12 एंड इट्स ओके टू एंटर बिटवीन 6 to 9। सो दोनों ऑप्शन मिलते हैं और दोनों ही आई वुड से कि बहुत अच्छे ऑप्शन है। ये आपको कैसे पता चले बहुत अच्छे ऑप्शन है, इफ यू गो फर्दर
सो आई वुड से कि आफ्टर 5 ईयर्स और 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या बैंड रहता है. तो आफ्टर 5 ईयर्स और 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो बैंड जनरली रहता है, इट गोज बिटवीन 20 to 40, आई वुड से. अच्छा ओके, द तो रेंज इज सो द मच. रेंज इज सो मच दैट अगेन डिपेंड्स आपने कहाँ से शुरू किया है, आप वहां कितने टाइम स्टिक रहे हो. जैसे आई कुड टेल यू कि मैंने आर्टिकलशिप 8 महीने की, फिर मैंने 1.5 महीने बाद चेंज, 1.5 साल बाद चेंज किया, फिर मैंने 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की. इफ यू स्विच फॉर बेटर और द बिगर ऑर्गेनाइजेशन, देन यू विल गेट अ बिगर ग्रोथ. ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छी जगह पे हो तो यू मस्ट बी गेटिंग अ गुड ग्रोथ. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ स्विच करते हो, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने अच्छे ग्रोथ आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है. समटाइम्स छोटी फर्म्स भी आपके एफर्ट्स को बहुत वैल्यू करती है और काफी अच्छा ऑफर करती है. तो आफ्टर 5 to 10 ईयर्स विल बी समवेयर बिटवीन 20 to 40, विच इज अ गुड रेंज फॉर एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 5, 8, 10 ईयर्स. इफ इट इज मोर देन 10 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स, समवेयर बिटवीन 40 to 60. And after 15 years, I can comfortably say, if you are into Big Four, you might target for a partner role. अगर आप partner बन गए, तो you might go up maybe more than 1 year. 1 year could be the base. And even if you go to the industry, और अगर आप किसी company के tax को lead कर रहे हो या फिर indirect tax को भी lead कर रहे हो supposedly, and if it is a good organization and you have a relevant and big experience, तो वहां पे भी आपका 1 CR प्लस हो सकता है. तो आप बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज के फाइनेंशियल्स अवेलेबल है, उनमें स्पेसिफिकली सैलरीज आर गिवन. आई डोंट नो कि स्टूडेंट्स को कितना इस चीज का पता है, लेकिन कभी भी लिस्टेड कंपनी की आप फाइनेंशियल डाउनलोड करो एंड बड़े लोगों की सैलरी देख लो, तो वहां पे आप देख लो इंडायरेक्ट टैक्स हेड की सैलरी 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी हो सकती है. तो बीट द इंडस्ट्री और बीट द बिग फोर्स. अगर आप 15-20 साल बाद एक अच्छा अपने अपने प्रोफेशन में परफॉर्म किया है, तो 1 करोड़ प्लस लेना इज नॉट दैट बिग थिंग. स्कोप इनॉर्मस है, हर फील्ड पे इनॉर्मस स्कोप है. एंड आई थिंक जो मैं समझ पाया था पूरी डिस्कशन के साथ, मेरे लिए बॉटम लाइन रहेगी वन वर्ड कॉल्ड एक्सपोजर. आपने बताया कि भाई एक्सपोजर अगर अच्छा 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 मिलता जाए तो आपकी ग्रोथ अच्छी 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 अपने आप होती जाएगी. एंड ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विद द गुड ब्रांड नेम्स. अच्छे ब्रांड नेम्स आपके साथ होंगे, जुड़ते जाएंगे, तो उससे भी आपकी ग्रोथ पे काफी इम्पैक्ट होने वाला है. तो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत सारे कॉमन डाउट्स थे गाइस. और भी कोई कॉमन डाउट हो आपका, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. चिराग सर इज अवेलेबल ऑन लिंक्डइन आल्सो, वो आपको गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे भी गाइड कर रहे हैं थिंकिंग विच पे. आपको कोई भी उनके पास सेशन बुक करना है आप कर सकते हैं. बैचिंग इज अवेलेबिलिटी ऑन गुरुकुल प्लेटफॉर्म ऑन thinkingbridge.in. और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट हिज GST मास्टर क्लास. अगर आपको प्रैक्टिकली ये सब सीखना है और साथ में अपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, तो थैंक यू सो मच चिराग सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. और आपको हम और भी परेशान करते रहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स होंगे वी ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग. और छोटी छोटी पॉडकास्ट, छोटे छोटे वीडियो इसी फॉर्म में हम स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए आपके साथ जरूर से बनाते रहेंगे. थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम सर. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.